यूपी पुलिस की सुरक्षा में अतीक अहमद और उसके भाई को निपटा दिया जाता है और योगी सरकार के मंत्री कहते हैं कि पाप और पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। अतीक अहमद को निपटाने वाले कहते हैं कि बड़ा माफिया बनना है, इसीलिए बड़ा कांड किया है। और चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकार कहते हैं कि अतीक अहमद के खात्मे के साथ माफिया राज भी यूपी में खत्म हो गया। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस अपनी कस्टडी में इतने बड़े अपराधी की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो फिर कानून का राज है या जंगल राज? बुलेट और बुलडोजर राज की खूबसूरती देखिए कि यूपी पुलिस की सुरक्षा का मजाक बनाते घटनाक्रम के बावजूद यूपी पुलिस और सरकार की वाहवाही हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव इस पूरे मामले पर लिखते हैं, एक दो मिनट लगे अतीक अहमद की हत्या की खबर पढ़कर संभलने में, ब्योरा नहीं मिला है, फिर वीडियो देखे, मन तो अभी स्तब्ध है लेकिन मस्तिष्क कहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन को कार्यकुशलता, कर्तव्य निष्ठा, बुद्धिमानी, आज्ञा पालन के लिए बधाई दी जाए, उन्होंने विश्व में हमारा सर ऊंचा किया है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी जैसे विपक्षी नेता संविधान और कानून की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के घेरे में अतीक अहमद के मिट्टी में मिल जाने के बाद विपक्षी नेताओं के सवाल पर यह कहकर राजनीति की जा रही है कि देखिए एक अपराधी के लिए सारे विपक्षी नेता और कुछ पत्रकार छाती पीट रहे हैं। जब अतीक अहमद के नाम पर जद्दा की अदालत में बल्ले बल्ले हो रही है, तो अदालत की दुहाई देने वालों के बयानों से क्या फर्क पड़ता है?